नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि 18वीं तरमीम अधूरी है, उसे पूरा करेंगे। सूबों को मिलने वाले अख्तियारात अब मजीद नीचे लेकर जाएंगे। जबकि राणा सनाउल्ला कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की नज़र पंजाब में नून लीग के मुखालिफ वोट पर है, हम पर तनकीद से ही वो इन वोटर्स को रागिब कर सकते हैं। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी समझते हैं तनकीद से वोट मिलते हैं तो वह अपना पूरा जोर लगाएं। 18वीं तरमीम है, इसके बारे में दो टोक हम अल्फाज में कह चुके हैं कि ना कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना कोई ऐसी तजवीज़ पे हम यकीन रखते हैं, बल्कि 18वीं तरमीम अधूरी है। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी, और वो यूं अधूरी है कि 18वीं तरमीम का मकसद इक्तदार को मरकज़ से डिवॉल्व करके अवाम तक ले जाना था। उसके पहले मरहले में मरकज़ से सूबों तक डेवोल्यूशन हुई, लेकिन सूबों से नीचे वो डेवोल्यूशन अभी अधूरी है। ये समझते हैं और हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इलेक्शन के हवाला से बात करते हुए उन जमहूरी रवायात को और उन इकदार को जो है वो पेश नज़र रखेगी। बाकी उन्हें बिल्कुल इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए, अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है और उन्होंने PMLN के ख़िलाफ़ बात करनी है, PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना ज़ोर लगाएं, पूरा उन्हें हक हासिल है।